ये है माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर। अगर आप टपकेश्वर आएँ तो इस गुफा मंदिर में ज़रूर चलें। सबसे पहले इसमें आप देखिए, ये जो गुफाएं बनाई गई हैं ये वैष्णो देवी में ऐसी गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं, तो उन्हीं की तर्ज पर यहाँ पर उन्होंने गुफा का निर्माण किया हुआ है। ये आप गुफा देखते चलिए, ये गुफा है बिल्कुल, ये आप देखते चलिए, इसको उसी तरीके से किया है जैसे कि आप बिल्कुल गुफा के अंदर जाते हैं। और पहले तो ये बहुत ज़्यादा सक्रिय थी, मुझे लग रहा है थोड़ी सी चौड़ी कर दी इन्होंने। हाँ, थोड़ा सा चौड़ा कर इसका हो गया। पहले क्या होता था ना कि मोटे मोटे आदमी होते नहीं पाते थे यहाँ पे, तो ये है, आपको जब भी यहाँ आना है तो आपको झुक के चलना है। ये देखिए, अब तो लाइटिंग की व्यवस्था होगी, पहले थोड़ा सा अंधेरा रहता था। तो ये गुफा है और इसमें हम सीधे अब रुक बैठ के चलना होता है। ये देखिए, ऐसे आप चलते चलिए घुटनों के बल करके, और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे ये आपको माता वैष्णो देवी मिल जाएंगी। ये है माता वैष्णो देवी, पंडित जी बैठे हुए हैं, ये आपको माता वैष्णो देवी मिल गई यहाँ पे। और ऐसे आपको पूरा ये गुफा मंदिर बना हुआ है। और ये है हमारी माता वैष्णो देवी, तो एक मंदिर कॉम्प्लेक्स है, इसमें ऐसे दिखाई बच्चे माता की। ये कैसे आपको यहाँ से, और यहाँ से होते हुए आप बाहर की ओर निकल सकते हैं जैसे आप। तो ये हैं भैरव बाबा। भैरव बाबा जो हैं वो ऐसा बोला जाता है कि जब भी आप माता के दर्शन करें तो आपको भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, बिना भैरव के दर्शन किए माता आपको आशीर्वाद नहीं देती हैं। तो ये थे हमारे भैरव बाबा, और वो था हमारा वैष्णो देवी गुफा मंदिर।